नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी के अंदर शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है इसके बारे में देखने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, लो प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय करते हैं और हाई प्राइस के ऊपर उसे सेल कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको क्या करना होता है, हाई प्राइस के ऊपर आपको पहले ही स्टॉक को जो है वो सेल करना होता है, और जैसे ही प्राइस उसकी नीचे आती है तो लो प्राइस के ऊपर आपको उसे फिर से बाय करना होता है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं, फिर भी हम कैसे बाय करेंगे। तो ये जो आपका ब्रोकर है पेटीएम मनी, ये आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल करके देता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप वही स्टॉक जो गिर रहे हैं उसे बेच सकते हो और नीचे आने के बाद फिर उसे खरीद सकते हो। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो आपको करनी होती है वो आपको इंट्राडे में करनी होती है, अगर आप इक्विटी स्टॉक के बारे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लग जाएगा और आप उसे एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन आज हम इक्विटी इंट्राडे में किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वॉच लिस्ट ओपन करनी होती है और आपको एनालिसिस करना होता है, क्योंकि ये इंट्राडे की ट्रेडिंग है तो एनालिसिस करने के बाद ही आपको जो है ट्रेड लेना होता है। मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन पर्पज सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, इसकी वजह से मैं ये स्टॉक डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी रैंडम स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करके उसमें शॉर्ट सेलिंग करें। पहले एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर दें और उसके बाद ही आप शॉर्ट सेलिंग में एंटर करना। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है TCS का जो स्टॉक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए सोच सकता हूँ, या फिर कोटक बैंक का स्टॉक गिर रहा है, टाटा मोटर का स्टॉक भी यहाँ पे गिर रहा है, या फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओगे तो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको जो टॉप लूज़र है उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो आप जो टॉप लूज़र है उसमें भी कोई स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर एनालिसिस करने के बाद शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक महिंद्रा, या जो टॉप लूजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक महिंद्रा, उसके ऊपर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली मुझे ये स्टॉक को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है, तो आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ से स्टॉक का चार्ट देख सकते हो, ये लाइन चार्ट है, इसके बाद आप कैंडलस्टिक भी देख सकते हो। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ पता चलती है, और थोड़ा नीचे आओगे तो बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल रही है। अब इस पेज के ऊपर आपको क्या करना है, ये जो सेल बटन दिखाई दे रहा है सेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। याद रखिएगा, आप ये शॉर्ट सेलिंग की जो प्रोसेस कर रहे हो या फिर कोई भी स्टॉक शॉर्ट सेल कर रहे हो तो उसको लिए आपको इंट्राडे में ही करना होगा। अगर आपके पास होल्डिंग में कोई स्टॉक नहीं है तो उसे आप बेच नहीं सकते। तो यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले इस ट्रेड के ऊपर सिलेक्शन करना है। जैसे ही हम ट्रेड के ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी डालने के लिए हमें यहाँ पे मौका मिलता है। उसके बाद सेल प्राइस आपको क्या एंटर करनी है ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो रिक्वायर्ड फंड की जगह पे आप दिख रहे हो कि 264 रुपये में एक क्वांटिटी इसकी मैं सेल कर सकता हूँ। हालांकि स्टॉक की प्राइस चल रही है 1057, मतलब आपको यहाँ पे लगभग 5x तक का मार्जिन मिल जाता है आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो, चाहे वो शॉर्ट की पोजीशन बनानी हो या फिर आपको बाय करना हो। अब हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, बाय के लिए भी उतना ही आपको इंट्राडे के लिए मार्जिन लगेगा। हम बाय के ऊपर जाते हैं तो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं 264 रुपीज़ ही लग रहे हैं, मतलब 5x तक का मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाता है, चाहे आप इंट्राडे में बाइंग करो या फिर शॉर्ट पोजिशन बनाओ। तो फिलहाल तो हम शॉर्ट करेंगे, तो सेल हमने सेलेक्ट कर दिया है, क्वांटिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और 10 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ देने पड़ रहे हैं 2644 रुपये। मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 26,000 रुपये बैलेंस है, और 10 क्वांटिटी में यहाँ पे जो है वो शॉर्ट करने वाला हूँ। फिर एक बार बता देता हूँ, एनालिसिस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, आपका लॉस होने का चांसेस यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद आपको क्वांटिटी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे मार्केट के ऊपर, करंट मार्केट जो चल रहा है उसके ऊपर भी आप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर इस कस्टम प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्राइस जो है यहाँ पे एडिट करने का या फिर निगोशिएट करने का मौका मिलता है। अगर आप इससे ज़्यादा प्राइस के ऊपर शॉर्ट पोजिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, यानी कि मुझे 58 के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर वाली प्राइस आपको यहाँ पे एंटर करनी है ताकि आपकी हाई प्राइस के ऊपर सेलिंग यहाँ पे हो जाए।
अगर मुझे लगता है कि 58 के ऊपर मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे 58 एंटर कर दूंगा। और फिर एक बार कहता हूँ, अगर कोई चार्ट इस तरीके से रेजिस्टेंस बना रहा है और यहाँ पे 0.58 है, 0.58 नहीं 1058 अगर दिखाई दे रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के प्राइस के पास अगर वो 60 होगा, 59 होगा, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन चार्ट के ऊपर अगर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ही आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना लेना। इस तरीके का एनालिसिस शॉर्ट पोजीशन में करते हैं। तो मुझे यहाँ पे अभी 1058 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन लेनी है, इसकी वजह से मैं यह प्राइस यहाँ पे एंटर करके रख रहा हूँ। अगर मार्केट के ऊपर मुझे प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो ये कस्टम प्राइस में डीसेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट आ जाएगा। तो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर ही स्टॉक मेरा जो होगा वो सेल हो जाएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, मैं फिलहाल मार्केट रख रहा हूँ क्योंकि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट भी करनी है मुझे, तो आपको दिखाना भी है। उसके बाद आपको ये स्वाइप टू सेल का जो है उसको राइट साइड में स्वाइप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्वाइप करोगे, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और पीछे जाके आप पोर्टफोलियो में देख सकते हो। पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऑर्डर बुक में जाएंगे। ऑर्डर बुक में जाने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल ऑर्डर का यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। टेक महिंद्रा शॉर्ट की पोजीशन एस लिखा है, मतलब सेल किया है हमने। इंट्राडे पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है और हमारी एवरेज प्राइस जो है, जिस प्राइस के ऊपर हमने सेल किया था, वो प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नीचे क्वांटिटी भी दिखाई दे रही है। अब पोर्टफोलियो में आपको जाना है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा। और पोर्टफोलियो में फिलहाल तो होल्डिंग्स में है हम, इसकी वजह से कोटक महिंद्रा के मेरे पास होल्डिंग में शेयर है, उसका यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। पोजीशंस में अगर आप जाओगे तो पोजीशंस में आपको करंट पोजीशन टेक महिंद्रा की यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि अभी 0-0 दिखा रहा है, अभी -50 पैसा हो गया। तो जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाएगी मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने शॉर्ट की पोजीशन ली है, हम यहाँ पे सेल करके बैठे हैं। और जैसे प्राइस नीचे आएगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्राडे में ये चीज़ आपको करनी है, तो 9:15 से लेके 3:30 तक का ही टाइम आपके पास होता है। अभी बजे है 12:20, मैंने अभी ट्रेड लिया है, तो मुझे 3:30 बजे तक का वक्त है इस पर्टिकुलर जो है पोजिशंस में रहने का। तो 3:30 बजे तक अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है 3:30 बजे से पहले, तो मैं इस पोजीशन से निकल लूँगा। अगर एग्जिट करना है आपको, तो सिंपली स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और ये जो एग्जिट बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही एग्जिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय लिखा हुआ आएगा, क्योंकि पहले हमने सेल किया है तो वापस हमें क्या करना होगा, बाय करना होगा, इसीलिए यहाँ पे बाय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्वांटिटी जितनी आपने बेची है उतनी ही आपको वापस बाय करनी है। आप यहाँ पर भी कस्टम प्राइस एंटर कर सकते हो या फिर मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद स्वाइप टू बाय के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर ये स्वाइप टू राइट करोगे तो आपका ये पोजिशन जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा, स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा, और आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी वहाँ पे बुक हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाओगे उस स्टॉक से। फिलहाल तो मैं वेट करूंगा, मेरे पास अभी वक्त है 3:30 बजे तक का। अगर प्रॉफिट निकल जाता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा स्टॉक से प्रॉफिट लेके। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको शॉर्ट किस तरीके से करना है पेटीएम मनी में, इसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप आपके डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।